हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज के हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे क्लास एट्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर नंबर है 5, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। जब लोग विद्रोह करते हैं कब, 1857 में एंड उसके बाद क्या होता है, इसके इस लेसन में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो रिवोल्ट कौन लोग करते हैं, इंडियन पीपल करते हैं, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेट्स बिगिन। पॉलिसीज एंड द पीपल, पॉलिसी से होती है नीतियां और लोग। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, किंग्स, क्यूंस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल, सोल्जर वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप जानते हैं ब्रिटिशर्स की थी, जो हिंदुस्तान में आई थी एज ए तजारत के तौर पर। बाद में उसने हिंदुस्तान में कैसा कब्जा किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कब तक थी हिंदुस्तान में, वो थी 1857 से पहले। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो फिर डायरेक्ट बरतानिया ने अपनी हुकूमत जहाँ कर दी थी। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बरतानिया की हुकूमत ने जितनी भी पॉलिसी से चलाई थी, उस पॉलिसी से क्या हुआ, सब हर एक वर्ग को असर पहुंचा था, नुकसान हुआ था। जैसे कि किंग्स के राजा थे, रानियां थी, पीजेंट्स, किसान थे, जमींदार थे, सिपाही तक भी सबको असर पड़ा था। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रजिस्टर पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट। हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे लोगों ने विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था इन पॉलिसी के खिलाफ, बगावत शुरू की थी और एक्शन लिए थे उन पॉलिसीज के और एक्शन के खिलाफ जो अंग्रेजों ने लोगों के हक में लिए थे। लेकिन वो पॉलिसीज जिसने लोगों को क्या किया था, उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया था और उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवाब लूज देयर पावर। जो नवाब थे हैदराबाद के, बंगाल के, उन्होंने अपनी पावर क्या की थी, खो दी थी। सबसे पहले सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। कहता है कि 18th सेंचुरी के मिड में हमने देखा कि जो नवाब और राजास थे उनकी पावर जैसे उनसे छीन ली गई। दे हैड ग्रेजुअली लास्ट देर अथॉरिटी एंड आनर, यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने अपना अथॉरिटी और सम्मान भी खो दिया था। रेजिडेंट्स हैव बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट, द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूस्ड, देर आर्मड फोर्स डिस्बैंडेड एंड देर रेवन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाई स्टेजन। उनके कोर्ट में जो उनका दरबार लगता था वहाँ पर रेजिडेंट्स अपॉइंट किए गए थे। रेजिडेंट्स भी ये वो शख्स है जो अंग्रेजी हुकूमत राजा की दरबार में एक बंदा अपॉइंट करती थी अंग्रेजी हुकूमत का। अब ये रेजिडेंट्स राजा के दरबार में, राजा की कोर्ट में जो उसके दरबारी होते थे, बाकी मंत्री होते थे, उनमें इसका भी एक अहम पद होता था। अब ये अपॉइंट कैसे किया जाता था, ये अपॉइंट तब किया जाता था जब एक राजा अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता था, सब्सिडरी अलायंस कर लेता था, जो उनकी एक पॉलिसी थी। अब जब ये रेजिडेंट अपॉइंट हो जाता था तो वो क्या करता था, राजा के हर एक काम में दखलंदाजी देता था। अब राजा को इतनी भी फ्रीडम नहीं थी कि वो कुछ भी काम कर सके, क्योंकि हर काम इसको बताना पड़ता था, क्योंकि ये उनके मंत्रियों में शामिल होता था। तो यही एक वजह थी कि राजा की फ्रीडम छीन गई थी और उसके आर्मी रखने का हक नहीं था एंड देर रेवन्यू, और जो वो रेवन्यू इकट्ठा करते थे वो भी धीरे धीरे वो खो रहे थे वो अधिकार भी। मैनी रूलिंग फैमिली ट्राइड टू नेगोशिएट विद कंपनी टू प्रोटेक्ट देर इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई टू ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। बहुत सारे राजा थे जिन्होंने कोशिश की कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ हम नेगोशिएट करेंगे, समझौता करेंगे, ताकि हम उनसे कहेंगे कि हमें कुछ तो, हमारे कुछ तो इंटरेस्ट हमारे बचा कर रख दिए जाए, यानी कि कुछ तो उनके हक में भी किया जाए, उनके उनको कुछ तो सुरक्षा मिले, कुछ तो फ़ायदा मिले।
फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ने चाहा कि उसने चाहा कंपनी से मांग की कि वो उसके अडॉप्टेड सन को जो उसका जो उसने गोद लिया था बच्चा उसको क्या करे राजगद्दी पर बिठाए क्योंकि उसके पति की डेथ के बाद। अब रानी लक्ष्मीबाई का जब हस्बैंड मर गया तो उसने अंग्रेजी हुकूमत से कहा कि उसके बेटे को क्या किया जाए राजगद्दी पर बिठाया जाए, लेकिन जो बेटा उसका क्या था अडॉप्टेड सन था। इसी तरह नाना साहेब अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू प्लीडेड दैट ही बी गिवन द फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। अब इसी तरह जो नाना साहेब था उसने अपने फादर की क्या मांगी, पेंशन मांगी कि उसको पेंशन दी जाए। पेशवा जो बाजीराव उसका क्या था फादर था, हालांकि पेशवा बाजीराव ने इसको अडॉप्ट किया था। हाउर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपेरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दिस प्लेस। लेकिन कंपनी को अपनी ताकत अपनी मिलिट्री पावर पर इतना घमंड था, विश्वास था क्योंकि था, तो उसने इन जो भी ये प्लीज थी जितनी भी रिक्वेस्ट थी उस पर वो तवज्जो नहीं देते थे। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। अवध वो टेरिटरी थी जिसको सबसे जिसको अंग्रेजों ने आखिर में भी क्या कर लिया था, सबसे आखिर में क्या किया था अपने कब्जे में किया था। इन 1801 ए सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। कहता है कि कैसे उन्होंने अवध पर अपना कब्जा किया था। 1801 में उन्होंने क्या किया था कि सब्सिडरी अलायंस किया था अवध के राजा के साथ। एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर, और 1856 में उन्होंने पूरा अवध अपने कब्जे में ले लिया था। अब जो सब्सिडरी अलायंस था ये क्या था, सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी पॉलिसी थी अंग्रेज क्या करते थे संधि करते थे एक राजा के साथ और बदले में उसको कहते थे कि सब्सिडरी अलायंस, जब सब्सिडरी अलायंस होती थी तो राजा को बदले में क्या दिया जाता था मिलिट्री सेना प्रोवाइड की जाती थी। अब ये रहना कोई भी राजा इनके साथ सब्सिडरी अलायंस इसलिए करता था क्योंकि उसको डर होता था कि कहीं कोई दूसरा राजा उस पर हमला ना कर दे, इसलिए वो अंग्रेजों से क्या लेते थे सेना लेते थे अब अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसको सब्सिडरी अलायंस करता था। लेकिन राजा को उस सेना को क्या करना पड़ता था, फीड करना पड़ता, खिलाना भी पड़ता था। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। जब 1856 में उन्होंने क्या किया सब्सिडरी अलायंस को ख़त्म किया और इस पर कब्जा कर लिया अवध पर, तो जो गवर्नर डलहौजी था उसने डिक्लेयर किया कि ये जो टेरिटरी है अवध की जहाँ को जो राजा है उसको गवर्नमेंट चलाना नहीं आ रही है, वो मिस गवर्नर कर रहा है एंड ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश रूल जरूरी है जहाँ पर इसके प्रॉपर इंतजामिया के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कहता है अब कंपनी का जो अगला कदम था जो वो ये था कि कैसे जो मुगल डायनेस्टी है इसको ख़त्म किया जाए। उन्होंने क्या किया जो मुगल एम्परर थे कॉइन, उन्होंने जो अपने टाइम में कॉइन छुपाए थे कॉइन मिंटेड किए थे कंपनी ने, कॉइन से उनकी क्या किया उनकी मुगल एम्परर की तस्वीर रिमूव कर दी कॉइन से। इन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्ट आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइडेड। गवर्नर डलहौजी ने क्या किया उसने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर को शिफ्ट किया जाएगा रेड फोर्ट से कहीं दिल्ली में किसी और जगह पर। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर जफर शाह वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंट वुड बी रिकॉग्नाइज एज किंग। उसने यहाँ तक भी डिक्लेयर कर दिया जो गवर्नर जनरल कैनिंग था उसने डिसाइड किया कि जो बहादुर शाह जफर है यही मुगलों का लास्ट राजा है और इसके बाद जो राजे होंगे उसके डिसेंडेंट्स होंगे उनको राजा नहीं बुलाया जाएगा किंग नहीं बुलाया जाएगा बल्कि उनको खाली प्रिंसेस कहा जाएगा, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस। नेक्स्ट है द पीजेंट्स एंड द सिपाही। अब जो किसान थे और सिपाही थे उनकी क्या परेशानी थी उनका क्या दुखड़ा था। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिजेंटेड हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। इन द कंट्री साइड होता है गाँव एरियो में जो किसान थे और जमींदार थे वो बहुत ही दुखी थे क्योंकि उन पर हाई टैक्स लगाया जाता था और
ऐसे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं रेवेन्यू के जो उनको बर्दाश्त नहीं था, करके ऐसे तरीके बनाए जा रहे थे सूद लेने के। मैनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन टू द मनी लैंडर एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड दे हैड टाइटल फॉर जनरेशन। बहुत सारे किसान ऐसे थे जो मनी लैंडर्स का लोन चुका नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़मीन को खो दिया था। अब ये जो लोग थे ये मनी लैंडर से लोन क्यों लेते थे, इसके बहुत कारण थे। एक कारण ये था कि ये टैक्स चुकाने के लिए भी लेते थे, दूसरा शादी विवाह के लिए लेते थे, मरने पर भी लेते थे और कोई प्रोग्राम के लिए भी लेते थे, लेकिन इनसे चुकाया नहीं जाता था और बदले में इनको ये ज़मीन देनी पड़ती थी। द इंडियन सीपे इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट, दे वर अनहैप्पी अबाउट द पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। जो हिंदुस्तान के सिपाही थे कंपनी की आर्मी में उनके दुखड़ का, उनके को नाखुशी का एक अलग कारण था। वो बहुत सारे कारण थे उनके भी। पहला ये था कि वो उनको पे टाइम पर नहीं मिलती थी, और दूसरा उनको अलाउंस नहीं मिलते थे, और उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस थी वो भी क्या थी, अच्छी नहीं थी। यानी कि सर्विस के रूल्स, जो कंडीशन पे उनको सर्विस करवाई जाती थी वो भी ठीक नहीं थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर एवर वायलेशन देयर रिलीजियस सेंटिबिलिटी एंड बिलीफ। कुछ रूल्स ऐसे थे जो उनके धार्मिक रिलीजियस बिलीफ को क्या कहते थे, ठेस पहुंचाते थे। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट इफ दे क्रॉस्ड द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। उस वक्त लोगों में ये विश्वास था, या अंधविश्वास मानो, या लोग मानते थे कि जो भी बंदा समुद्र पार जाएगा, समुद्र की यात्रा से समुद्र पार जाएगा किसी दूसरे मुल्क में, तो उसका जो मजहब है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसका जो रिलीजन वो उस रिलीजन का नहीं रहेगा, वो कास्ट भी अपनी खो देगा। सो बेन इन 1824 द सिपाही वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, तो दे अग्री टू गो बाय द लैंड रूट। अब जब सिपाहियों को कहा गया कि आप बर्मा चले जाओ, अब जब अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया, जो इंडियन सिपाही थे जो भर्ती किए थे, इनको जब बर्मा भेजना चाहा उसने, लेकिन जाना था सी रूट से, तो उन सब ने मना कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम चले जाएंगे तो गांव के लोग जहां हम रहते हैं वो लोग हमें बायकॉट कर देंगे, वो हमें घुसने नहीं देंगे। तो दूसरा, वो मानने को ये तैयार थे कि वो सी रूट से नहीं जाएंगे, अलबत्त बाई रोड वो चले जाएंगे। दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई, वो जब उन्होंने मना कर दिया तो उनको बहुत तरीका से क्या किया, बहुत बुरे तरीके से उनको पुनिश भी किया गया। इन 1856 द कंपनी पास्ड ए न्यू लॉ विच स्टेटेड दैट एवरी पर्सन हु टेक अपॉन एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड टू एग्री सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। अब 1856 में कंपनी ने एक नया रूल निकाल दिया, उसने कहा कि जो भी सिपाही, जो भी आर्मी, जो भी सैनिक कंपनी की आर्मी में भर्ती होगा, कंपनी में भर्ती होगा, उसको एक कंडीशन उसमें रख दी उन्होंने कि अगर वो उसको समुद्र पार भी जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, तभी उसको नौकरी मिलेगी। यानी कि ये रिक्रूटमेंट में उन्होंने ऑप्शन रख दी, इसके बगैर उसको रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी, उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसके आर्मी की नौकरी नहीं मिलेगी। सिपाही आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड फैमिली लिविंग इन द विलेज, सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही। अब जो सिपाही थे जो गांव से ताल्लुक रखते थे, उनको खबर आती थी कि कंट्री साइड में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके घर वाले उनको खबर देते थे कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। मैनी ऑफ देम पीजेंट, क्योंकि ज़्यादातर उनसे किसान फैमिली से ताल्लुक रखते थे और गाँव में रहते थे, सो द एंगर ऑफ द, यही वजह थी कि किसानों का और उनके सिपाही बेटों का एंगर जो है वो गुस्सा वो दिन दिन क्या करता गया, बढ़ता गया। और ये जो लॉ इन्होंने पास किया 1856, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी कंपनी में कोई भर्ती होगी तो उस भर्ती में उसी बंदे को भर्ती किया जाएगा जो समुद्र पार जाना चाहेगा, उसको ज़रूरी जाना पड़ेगा। अगर वो समुद्र पार नहीं जाएगा दूसरे मुल्क में ओवरसीज, तो उसको भर्ती नहीं किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत सारे जुल्म थे जो हिंदुस्तानियों पर हो रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म। तब तक के लिए धन्यवाद।